हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इन दिस वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इजी और सिंपल तरीके का मेकअप लुक, और जो भी बिगनर्स हैं उनके लिए मैंने बहुत इजी तरीके से ये मेकअप लुक क्रिएट किया है, और मैंने बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्रोडक्ट इसमें यूज़ किए हैं। तो आई रियली होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो भी मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट यूज़ किए हैं उन सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की तरफ मूव ऑन कर लेते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। हे गाइस, सबसे पहले मैं अप्लाई कर रही हूँ ये ब्लू हेवन का प्राइमर, और इससे जो भी मेरे पोर्स हैं वो सारे फिल इन हो जाएंगे। तो मैं इसको अच्छे से अप्लाई कर लूँगी अपने ऑल ओवर फेस पे। सो गाइस, मैं यहाँ पे दो फाउंडेशन को मिक्स कर रही हूँ, एक लाइटर शेड में है और एक डार्क शेड में। तो मैं दोनों के वन वन पंप ले रही हूँ और उसको अपने हाथ पे अच्छे से वार्म अप कर लूँगी। सो गाइस, अब मैं इसको इवनली अप्लाई कर रही हूँ मैं अपने ऑल ओवर फेस पे, और अपनी नेक पे भी अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। देन मैं ब्लेंड करने के लिए ले रही हूँ ये पैक का ब्रश 257 नंबर, एंड देन मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी छोटे छोटे स्ट्रोक्स में, और अपने ईयर्स को भी अच्छे से कवर करना है वरना वो फेस से बहुत अलग लगते हैं। देन मैंने यहाँ पे लिया है ये स्विस ब्यूटी का कंसीलर, और इसे मैं अपने हाइलाइटिंग के लिए यूज़ कर रही हूँ। तो इसको मैं अपने अंडर आइज, नोज, फोरहेड, अपने क्यूपिड बो, चिन और थोड़ा सा जहाँ पे हम कंटूरिंग करते हैं वहाँ पे अप्लाई कर लूँगी। देन मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से, और जहाँ जहाँ पे मैंने कंसीलर को अप्लाई किया है मैं इसको वहीं पे ब्लेंड कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं यहाँ पे लिया है ये ब्लू हेवन का सफायर पाउडर, और ये लूज पाउडर है इन दी शेड बनाना, और जहाँ पे मैंने कंसीलर अप्लाई किया है मैं इसको सिर्फ वहीं पे अप्लाई करके अच्छे से सेट कर लूँगी ताकि जो कंसीलर है वो क्रीज ना करे। देन मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये कलर क्वीन की ब्राउ मास्टर पेंसिल, और इसके एक साइड में स्पूली है और दूसरे साइड में प्रोडक्ट। तो मैं इससे पहले अपने आईब्रोज को अच्छे से कॉम कर रही हूँ, देन मैं जहाँ जहाँ पे मेरे स्पेयर पार्ट है मैं वहाँ पे इसको फिल इन कर लूँगी। सो गाइज, आप देख सकते हो कि दोनों आईब्रोज में कितना फ़र्क आ रहा है आईब्रो फिल इन करने के बाद। देन मैंने यहाँ पे ये मार्स की फैंटास्टिक पैलेट ली है, ब्लश पैलेट, और इससे मैं अपने फेस पे कंटूर अप्लाई कर रही हूँ। इससे जो है मेरा फेस जो है काफ़ी शार्प लगेगा और थोड़ा सा चीजल लगेगा। इसको मैं अपनी जॉ लाइन पे, चीक्स पे, फोरहेड पे और नोज़ को भी मैं इसे अच्छे से कंटूर कर लूँगी, जिससे कि मेरे फेस को एक डायमेंशन मिलेगा। तो सेम पैलेट में से मैं ये ब्लश अप्लाई कर रही हूँ, थोड़ा सा लाइट पिंक और थोड़ा सा कोरल कलर को अच्छे से मिक्स करके अपने फेस पे थोड़ा थोड़ा अप्लाई करके अच्छे से ब्लेंड भी कर रही हूँ साथ के साथ, ताकि वो पैची ना लगे। तो थोड़ा सा नोज़ और चिन पे भी मैं अप्लाई कर लूँगी, क्योंकि ये डे टाइम लुक है तो थोड़ा सा नेचुरल लुक आएगा। और इसमें से मैं ये हाइलाइटर भी अप्लाई कर रही हूँ अपने हाइस्ट पॉइंट पे, लाइक माई चीक्स, ब्रिज ऑफ द नोज़ और क्यूपिड बो, चिन और अपने फोरहेड पे भी अप्लाई कर लूँगी, थोड़ा सा इनर कॉर्नर एंड ब्राउ बोन के नीचे। सो गाइज, ये जो पैलेट है ये बहुत ही ज़्यादा वर्सटाइल पैलेट है, और इसके जितने भी शेड हैं इस पैलेट के अंदर सारे ही यूज़फुल हैं। तो मैं इसके सारे शेड को अच्छे से यूज़ कर पाती हूँ। आप चाहो तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। तो अब मैं इसी में से सेम कॉन्टोर शेड ले रही हूँ, और सबसे पहले जो मेरी आईज़ पे क्रीजेस थी मैंने उसको फिंगर के हेल्प से थोड़ा सा ब्लेंड करके फिर मैंने कॉन्टोर शेड को अपने क्रीज में अप्लाई किया। देन मैंने ये लाइट पिंक शेड लेके इसको अपने ऑल ओवर लिड पे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। आप देख सकते हो दोनों लिड में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बट एक नेचुरल लुक आ रहा है, क्योंकि इधर मैंने कंसीलर अप्लाई किया है तो आप देख सकते हो वहाँ पे थोड़ा सा वाइट वाइट लुक आ रहा है। सो मैं सेम नीचे ही अप्लाई करूँगी, कॉन्टोर शेड लेके मैं नीचे लोअर लैशेज में अप्लाई कर लूँगी। देन अगेन पिंक शेड लेके भी मैं अप्लाई कर रही हूँ और अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ लोअर लैशेज को। देन मैंने यहाँ पे ये कलर लिया है आईलैश कलर, और इससे सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ अपनी आईलैशेज को अच्छे से कर्ल कर लूँगी। देन मैं मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि आज मैं कोई भी फॉल्सेज अप्लाई नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि डे टाइम लुक है। और आप देख सकते हो मस्कारा अप्लाई करने से कितना अच्छा लुक आ रहा है, एकदम फॉल्सेज जैसा इफेक्ट आ रहा है। तो आप जब भी इन्वेस्ट करें तो अच्छे मस्कारे में इन्वेस्ट करना, क्योंकि ये जो मस्कारा है ये वाटरप्रूफ है। देन मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ ये फेसेस कैनेडा का काजल, और इससे अपनी लोअर लैशेज और अपर लैशेज को अच्छे से टाइट लाइन कर लूँगी।
सो गाइज मैं यहाँ पे लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ और ये न्यूड शेड में, क्योंकि ये बिगनर मेकअप लुक है तो मैंने बहुत ही ज़्यादा लाइट लिपस्टिक अप्लाई की है। एंड देन मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये पैक का मेकअप फिक्सर और इससे मैं अपने मेकअप को अच्छे से सेट कर लूँगी। दिस इज माई फाइनल फिनिश लुक एंड आई रियली रियली होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये बहुत ही ज्यादा सटल और इजी सा मेकअप मैंने क्रिएट किया था और अगर आप इस लुक को रिक्रिएट करते हो तो मुझे इंस्टा पे जरूर टैग कर देना। सो टिल देन टेक केयर, बाय।